गोवा जाने की प्लानिंग तो कर ली, लेकिन जाओगे तो रहोगे कहाँ पर? तो मैं आपके लिए एक ऐसा बजट स्टे ला रही हूँ जो कि साउथ गोवा में पैरालिम बीच के पास में है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, वाइब काफी बढ़िया है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, बार एरिया है, सिटिंग एरिया है, सब कुछ है। तो चलिए वीडियो आखिर तक देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अभी साउथ गोवा में। अगर आप एक ग्रुप के साथ आ रहे होंगे और आपको यहाँ पर हॉस्टल चाहिए, वो भी बहुत ही चीप पे, जैसे कि अगर आप गोवा प्लान कर रहे हो, एकदम बजट वाली ट्रिप आप अगर आपको करनी होगी बीच से, ये जो जगह है ये बस हाफ या फिर हाफ किलोमीटर से भी बहुत कम में आएगी आपको। और इसके साथ साथ अगर आप साउथ गोवा के और डीप में जा रहे हो, उस रास्ते में ही ये जो है हॉस्टल है, हॉस्टल का जो कैंपस है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आपको इंडोर गेम्स है, यहाँ पर जो है 10 बेड की डॉर्मेट्री है, 4 बेड की डॉर्मेट्री है। और इसके जो चार्जेस है, उससे पहले इस जो हॉस्टल का नाम बता देती हूँ। इस जो हॉस्टल का नाम है वो है रेम्बो लाइनिंग हॉस्टल, और इसकी जो प्राइस है बहुत ही बजट वाली है। जो बैकपैकर्स होंगे या फिर जो फॉरेनर्स है, जो ग्रुप्स में आ रहे हैं बॉयज़ गर्ल्स, उनके लिए ये जगह है, ये काफ़ी बेस्ट है। 440 रुपीज़ बस इसकी प्राइस है, विथ जो है इसका जो टैक्स इंक्लूड है इसमें, बहुत ही बढ़िया प्राइस है ना। तो चलिए मैं अभी आपको जो है ये पूरा का पूरा हॉस्टल दिखा देती हूँ। बहुत ही एक्सेसिबल है, यहाँ पर बहुत सारे रिसॉर्ट्स है, आप बाइक पर रेंट पर लेकर यहाँ पर घूम भी सकते हो, बार एरिया है। तो चलिए मैं आपको हॉस्टल दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। पैलोलिम बीच से ये जगह हाफ किलोमीटर दूरी पर है। मेन रोड पर आपको जो है इंडिया वैन का बोर्ड मिलेगा, उससे आपको अंदर की ओर आना है। गूगल मैप से जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, यहाँ पर आने के लिए जल्दी से मिलता नहीं है। यहाँ पर 2-व्हीलर और 4-व्हीलर ऐसे दोनों भी पार्किंग अवेलेबल है। अगर आपको रेंट पर बाइक चाहिए होगा तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। और ये है यहाँ का हॉस्टल, और इस हॉस्टल में अगर आपको स्टे करना होगा तो आप ग्रुप में आ सकते हो या फिर सिंगल भी आ सकते हो। बहुत ही सुपर कूल ये हॉस्टल है, काफ़ी बजट में है। यहाँ पर आसपास आपको ऐसा हॉस्टल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आसपास क्लब्स भी है, रेस्टोरेंट भी है, इनका इनबिल्ट यहाँ पर जो है बार एरिया है, रेस्टोरेंट एरिया भी अवेलेबल है। यहाँ का चेक इन टाइम है 1 बजे का, चेकआउट है 10:30 PM का। यहाँ पर आपको जो है साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा का बोर्ड दिखेगा। यहाँ पर जो भी फेमस जो प्लेसेस है आप इसे जो है विजिट कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर ना आपको रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है जो जून से अक्टूबर तक जो है क्लोज रहता है, नहीं तो पूरा ईयर यहाँ पर स्टे का जो ऑप्शन है ये ओपन रहेगा। मैं अभी आपको यहाँ का जो डॉर्मेट्री है वो दिखा देती हूँ। बाहर की ओर शू रैक एरिया है जहाँ पर शू रखने पड़ते हैं आपको। अंदर की ओर के जो रूम्स है काफ़ी बड़े हैं, ये 10 बेड की डॉर्मेट्री है। इसके अंदर आपको जो है लॉकर, बेड, AC, फैंस और स्टडी टेबल हो या फिर वर्क प्लेस आपको चाहिए होगी, डस्टबिन या फिर अगर चार्जिंग पॉइंट्स, ऐसे सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है इन 10 बेड्स के लिए। यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम अवेलेबल है, सुपर कूल प्लेस है। यहाँ पर आपको जो है घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह भी इन लोगों ने दे रखी है। यहाँ पर आपको कलरफुल पेंटिंग्स भी मिलेंगे, और वॉशरूम बहुत बड़ा है लेकिन एक ही है 10 बेड्स के लिए। और मैं अभी आपको यहाँ के जो बेड है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर बेड में आप लोगों को अंदर की ओर लाइट लैम्प दिया गया है, चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पर रूम के अंदर दो AC होने के वजह से आपको जो है गर्मी बिल्कुल भी नहीं होगी। ब्लैंकेट दिया गया है, प्लेस काफ़ी क्लीन है। ये 10 बेड की डॉर्मेट्री थी और आपने देखा कि बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर AC लगा हुआ है हर एक रूम में, और फैंस भी है। उसके साथ साथ अगर प्राइवेट डॉर्मेट्री चाहिए होगी 2 पीपल्स के लिए तो वो भी है यहाँ पर। इसके साथ साथ 4 बेड की जो डॉर्मेट्री वो भी अवेलेबल है।
जिसमें आपको यहाँ पर ना बहुत ही फैसिलिटीज़ है। यहाँ पर बाहर की ओर घूमने के लिए भी काफ़ी जगह है, बार एरिया सामने ही है, यहाँ पर जापानीज स्टोर है, मतलब बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर घूम भी सकते हो आराम से, बीच के ऊपर भी घूमने के लिए जा सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल इन लोगों ने एक लैम्प दिया गया है, अगर आपको कुछ भी बुक्स पढ़नी होगी, कुछ भी काम करना होगा तो आप इस लैम्प को लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा है, अगर आपको बजट में अगर कहाँ पर रहना होगा तो गोवा में, साउथ गोवा में ये जो प्लेस है पैलेलम बीच के पास में, आप वहाँ पर ज़रूर रुक सकते हो। ये है सेकेंड डॉर्मेट्री जो कि 2 beds की है। अगर आपको प्राइवेट डॉर्मेट्री चाहिए होगी तो वो भी अवेलेबल है, जिसके अंदर भी वॉशरूम है। सो इसके बाहर आते ही यहाँ पर बड़ा सा बार एरिया है। सो आप यहाँ पर आपके जो कॉकटेल मॉकटेल्स जो ड्रिंक्स होंगे आप उसे इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर सामने की तरफ एक स्टोर है और उसके सामने है ये डॉर्मेट्री, और ये इसके बगल में ही है यहाँ का रेस्टोरेंट, रिलैक्सिंग पॉइंट। और यहाँ पर ना आपको देखने के लिए मिलेगा एक बड़ा सा बॉनफायर एरिया और बड़ी सी सीटिंग, जहाँ पर आप बैठ सकते हो, गप्पे लड़ा सकते हो और आपको जो करना है वो कर सकते हो। आसपास भी घूमने के लिए काफ़ी स्पेस दी गई है। यहाँ पर है ना एक कॉमन स्पेस दी गई है बॉनफायर के लिए, या फिर आप यूं ही यहाँ पर बैठ सकते हो। ओपन एरिया है काफ़ी, अगर आप बीच के ऊपर जाके आए हो, अगर आपको कपड़े सुखाने हो तो वहाँ पर कपड़े सुखाने की जगह भी दी गई है। कॉमन वॉशरूम्स है यहाँ पर, मतलब हर एक डॉर्मेट्री के अंदर एक वॉशरूम अवेलेबल है। उसके साथ साथ यहाँ पर इनडोर गेम्स भी खेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, वो भी आप यहाँ पर खेल सकते हो। सो ये है यहाँ का बाहर का एरिया, जहाँ पर और एक वॉशरूम आपको अवेलेबल है। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट की सीटिंग और बाहर की जो आउटडोर सीटिंग, वो मैं अभी यहाँ का आपको 4 beds वाला डॉर्मेट्री दिखा रही थी। यहाँ पर स्विंग है अंदर की ओर, वॉशरूम, लॉकर एरिया, बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो सेम है, लेकिन ये प्लेस जो है काफ़ी छोटी है। यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए भी काफ़ी कुछ दिया गया है। सो मैं अभी आपको रेस्टोरेंट की सिटिंग दिखा देती हूँ, जहाँ आप अपना फूड जो भी ऑर्डर करेंगे तो आपको यहीं पर वो सर्व किया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल भी आउटसाइड अल्कोहल या फिर लाउड म्यूजिक ये सब कुछ 11 बजे के बाद अलाउड नहीं है। ये है यहाँ का जापानीज स्टोर, जहाँ पर अगर आपको कुछ भी ख़रीदना होगा, यहाँ पर जापानीज चीज़ें इतनी सारी रखी गई है कि आप बस देखते ही रह जाओगे, इतने सारे ऑप्शंस और इतनी सारी जो है चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ना आपको खाने के लिए सुशी भी मिलती है, तो आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए हम लोगों देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैं अभी आपको जो 440 rupees प्राइस बता रही हूँ, ये समर टाइम के है, सीज़न में मतलब अक्टूबर के बाद जब सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो इसी के प्राइजेज जो है 600-650 rupees ऐसे हो जाते हैं। बाकी रिसॉर्ट्स में अगर रहने जाओ, 2-3 लोगों के लिए आपको 3000 तक ही चल जाएगा, क्योंकि ऑन सीज़न रिसॉर्ट बहुत ही महंगे होते हैं। तो पर पर्सन के लिए अगर आप कहीं पर हॉस्टल ढूंढ रहे होगे ना, तो इस बेस्ट प्राइस में ये हॉस्टल सच में बहुत ही बेस्ट है। सो गाइस, कैसी लगी आपको जगह? बहुत ही बढ़िया है ना, इतने बजट में आपको गोवा में और कहाँ पर ऐसी स्पेस मिलने वाली है जहाँ पर आप जो है ग्रुप के साथ स्टे कर सकते हो, वो भी बजट में। होता है ना, जो कॉलेज बॉय होते हैं या फिर जिनको बहुत ही बजट में चाहिए होगा, तो ये जो जो डॉर्मेट्री है वो बहुत ही बेस्ट है उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के जो रूम्स है काफ़ी क्लीन है, यहाँ का वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, मैंने खुद सभी रूम्स देखे हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बार एरिया है, रेस्टोरेंट एरिया है, जहाँ पर आप जो है फूड मंगाकर खा भी सकते हो या फिर बाहर भी जा सकते हो, यहाँ का फूड भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर ही ना बहुत सारे नाइट क्लब्स भी है जिसे आप विजिट कर सकते हो। ओवरऑल हर एक चीज़ के लिए ये एक्सेसिबल है, तो आप इस जगह के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।